सूजी के लड्डू ना मेरी फेवरेट लड्डू की लिस्ट में आते हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये मोतीचूर के लड्डू। अरे मुझे तो मीठे ही बहुत पसंद है, कोई भी लड्डू मिल जाए मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो गाइज आज ना आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सूजी के लड्डू बनाने की बिल्कुल बिल्कुल नई विधि। ऐसी विधि है ना, मतलब ऐसी रेसिपी है, अगर आप इसको बना लेंगे ना तो आपके लड्डू बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेंगे, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले। और तो और आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको बनाने के लिए आपको चाहिए सूजी। अब यहाँ पर इस रेसिपी के लिए आप कोई सी भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, मोटी पतली जैसी भी आपको सूजी मिल जाए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 कप से लिया है, ये अगर सीधे सीधे देखें तो 400 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर सूजी लेनी है। और इसको हम क्या करेंगे, दूध में भिगो करके रख देंगे। तो जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा थंबनेल में कि दूध में सूजी घोलकर बनाए लड्डू, तो बस वैसे ही करना है हमें। यहाँ पर देखिए पहले मैंने 1 कप जितनी इसमें जो है दूध डाल दिया और इसको हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर दूध भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा पतला कैसा भी चलेगा। और यहाँ पर आपको जो दूध है वो ठंडा गर्म भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्रिज का ठंडा ना हो, बाकी अगर हल्का सा गर्म है तो कोई बात नहीं आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए 1 कप जितना दूध डाल दिया, और 1 कप दूध में तो इसको कुछ नहीं होने वाला, ये देख सकते हैं आप कितना ड्राई सा दिख रहा है ना। तो आधे कप जितना दूध हम इसमें और डाल देंगे, तो ये आधे कप जितना दूध हमने इसमें और डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप थोड़ा सा और बड़ा बर्तन लेना क्योंकि सूजी फूल करके थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है ना। तो बस अब इस तरीके से जब ये हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसे ढक करके रख देंगे। अगर आपने गरम गरम दूध लिया है ना तो आपको ज़्यादा देर ढकने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। और अगर आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिया था दूध तो आप 5 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ दो, सूजी एकदम भीग जाएगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डालना है किसी भी कढ़ाई में या फिर पैन में। मेरे पास ये जो बर्तन है ये ना कढ़ाई है ना पैन है, जो भी है, लेकिन ये इसमें कुकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ इसमें बनाने के लिए। तो इसमें हमने डाल दिया और अब बस इसको हम चलाते रहेंगे जब तक इसका जो जितना आप एक्स्ट्रा दूध देख रहे हैं ना इसमें जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जैसा है ये जब तक कि सूख नहीं जाता है। तो इस तरीके से ना आप लड्डू बना करके देखिए, इसमें ना चाशनी वगैरह का कोई झंझट नहीं होता और लड्डू ना ऐसे पत्थर की तरह कड़े नहीं होते। नहीं तो सूजी के लड्डू अगर आपने चाशनी से बना दिए ना तो वो ज़्यादातर पत्थर की तरह एकदम कड़े हो जाते हैं, उसको दांत से निकालने में एकदम आफत ही हो जाती है। तो इस तरीके से एकदम मक्खन जैसे बनेंगे लड्डू। अब इसमें आपको घी डालना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं, सिर्फ 3 टेबल स्पून घी, इतना ही इसके लिए एकदम पर्याप्त होगा। 3 टेबल स्पून घी में ही आपके जो लड्डू है ना वो बनने लगेंगे और इसका अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना घी डाल दिया। अब हम इसमें धीरे धीरे करके लगभग 2 चम्मच जितना घी और ऐड करेंगे। देख सकते हैं इसके जो टेक्सचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है, आप खुद देख सकते हैं काफ़ी दानेदार जैसा ये फॉर्म में आने लगा है। बस इसको अच्छे से हमें भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए, आप इसे अच्छे से भून लीजिए और 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे एकदम दानेदार हो जाएगा, ये बहुत ही बढ़िया भुरभुरा सा दाने दार ये हो जाएगा। और इस तरीके से अगर जब भी आप लड्डू बनाते हैं ना तो उससे एक फायदा और होता है कि सूजी का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने गाय का घी इस्तेमाल किया था तो इस वजह से इसमें हल्का सा पीलापन आ गया है। अगर आप मतलब बफेलो वाला घी यूज करोगे ना तो एकदम व्हाइट व्हाइट लड्डू बनकर के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है और 5 से 7 मिनट बाद आपको कुछ इस तरीके का इसका जो टेक्स्चर है वो देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा दानेदार ये बना है, इससे आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट और बढ़िया दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से आपको भूनना है और इसके बाद आप इसे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। ठीक है, तो जब तक वो ठंडा हो रहा है हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा नन्ना मुन्ना सा आप फ्राई पैन ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच जितना तेल डाल दीजिए, मतलब घी डाल दीजिए। तो यहाँ पर पूरी रेसिपी में आपको सिर्फ 4 चम्मच घी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे ये किशमिश। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर किशमिश डाल दिया है। देखिए ड्राई फ्रूट में आपको जो पसंद हो आप डालिए, नहीं पसंद है स्किप कर सकते हैं, टोटली हटाना चाहे तो टोटली हटा सकते हैं, बट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डल जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये सूजी के लड्डू। मुझे सूजी के लड्डू में खासकर काजू और किशमिश का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैंने इसमें बादाम भी डाला है और थोड़ी सी जो है चिरौंजी डाल दी है। ठीक है, अब इसके बाद इसे आपको 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि आपके ड्राई फ्रूट ना एकदम क्रंची क्रंची से हो जाए। तो बस ऐसे आप एकदम मतलब धीमी आंच पे कीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी जलने लगते हैं। और 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपके जो ड्राई फ्रूट है उसका बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ गया है।
तो बस इस तरह से आपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डाल लेना है। अच्छा, आज की रेसिपी के लिए ना हम लोग भूरा वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो कई बार क्या होता है कि भूरे से भी लड्डू बनाए जाते हैं, तो भूरा वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल यूनिक तरीका है, और अगर आपने आज से पहले ये वाला तरीका कहीं नहीं देखा हो ना, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी ऐसे झटपट से ये वाली मिठाई जो है लड्डू मतलब बना सकें। ठीक है, तो चलो ये तो भुन गया, अब हम देते हैं चीनी। तो यहाँ पर आपको एक कप चीनी लेनी है। देखिए, दो कप सूजी ली थी तो उसमें एक कप चीनी एकदम परफेक्ट होती है। अगर ग्राम में नापेंगे तो 200 ग्राम के करीब ये चीनी होगी। ठीक है, अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए हम मिला देंगे ये क्या बोलते हैं इसको, इलायची बोलते हैं इसको, तो इलायची मिला दीजिए 2 से 3, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब इसके बाद हम सूजी को देख लेते हैं। सूजी हमारी प्रॉपरली अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। देखिए, ना पैन गरम है ना सूजी गरम है, कुछ भी नहीं गरम होना चाहिए, इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथों से मसल लेंगे, जो भी थोड़े से बड़े वाले लम्स है सूजी के, ताकि वो सारे एकदम ख़त्म हो जाएँ और एकदम भुरभुरा सा, आप खुद ही देख सकते हो, ऐसे भुरभुरा सा हो जाइए। तो बस एक बार हाथों से इसको ऐसे थोड़ा सा मसल लीजिए, देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो मिक्सचर है ना वो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट करके रखे थे ना, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से बस ध्यान रखना आपको कि ठंडा हो जाए, इसके बाद ही आपने इसमें चीनी या ड्राई फ्रूट ऐड करना है। गरम गरम में अगर आपने इसमें चीनी ऐड की तो क्या होगा कि ये जो है एकदम गीला सा हो जाएगा, तो फिर मतलब लड्डू तो आराम से बन जाएंगे लेकिन उसकी बर्फ़ी सेट करनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने इसे क्या करना है, ठंडा कर लेना है। देखिए, ड्राई फ्रूट मिलाने के बाद इसमें कितनी ज़्यादा जान आ गई है ना, देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी सा दिख रहा है। वैसे सूजी से बनी ना हर रेसिपी अच्छी लगती है, चाहे इसका मीठा बना लो चाहे इसका तीखा बना लो, हर रेसिपी में एकदम जान आ जाती है सूजी से। अब हम इसमें देखिए ये पिसी हुई चीनी और जो हमने क्या डाला था, इलायची डाला था ना, वो वाला पाउडर मिला दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर जो है बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। इससे हम फिर फटाफट से लड्डू बना लेंगे। आपने लड्डू बनाने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है कि बंध नहीं रहे हैं, कि टाइट हो जाएंगे, कि मतलब कोई दिक्कत आएगी, चाशनी वगैरह का भी देखा आपने कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप पिसी हुई चीनी ना मिलाना चाहें तो आप चीनी का भूरा आराम से मिला सकते हैं इस रेसिपी में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पोस्टर लेना है, जितना आपके हाथ में आ जाए, जितना बड़ा आपका हाथ हो, जितने बड़े आपने लड्डू खाने हो, और बस आराम से देखिए ये बन जाएंगे। रोल कीजिए ऐसे ऐसे और हाथों में थोड़ा सा ऐसे घुमाइए, ये टेक्निक से ना एकदम गोले गोले लड्डू बनते हैं। और ये देखिए लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। इन लड्डुओं को आप जो है स्टोर भी कर सकते हैं, दूध से बने हुए हैं, लेकिन आप फिर भी इन्हें जो है फ्रिज में 5 से 7 दिनों के लिए, और ठंडी का हल्का सा समय क्योंकि आ ही रहा है, तो इस समय पे आप बाहर मतलब फ्रिज के बाहर भी इसे 2 से 3 दिनों के लिए रख के खा सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं।